वेलकम आप सभी का, मैं पीके प्रेम असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ दीजिए। कैसे हैं आप लोग? चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं। और देखिए अब जो भी स्टूडेंट आप पढ़ रहे हैं उस सारे का सारा आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। बेसिक आप लोग पढ़ चुके थे और बेसिक में क्या चीज़ें पढ़ चुके थे थोड़ा सा कोरिलेट कर ले, जुड़ जाए, लिंक अप कर ले कि हम लोग रिपल्सन टाइप मूविंग आयरन पढ़ चुके थे। यानी सीधी सीधी बात बताएं आपको तो MI टाइप, MI मतलब मूविंग आयरन, मूविंग आयरन मतलब लोह चल, यानी चल लोह प्रकार के यंत्र, और मूविंग कॉइल मतलब चल कुंडली, कॉइल वाला चल कुंडली मतलब कुंडली घूमने वाला, दोनों आप पढ़ चुके थे। उसमें थोड़ा सा आपको बता दें कि क्या सब पढ़ चुके थे कि MI टाइप का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, याद आ रहा है आपको? MI टाइप, MI यानी मूविंग आयरन टाइप का जो प्रयोग करते हैं हम लोग AC और DC दोनों प्रकार के इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को मेजरमेंट करते हैं, चाहे वो करंट हो या एम्पियर, वोल्ट मीटर एम्पियर मीटर दोनों हो सकता है। और याद रखिए MI टाइप का जो अपना सिंबल है एक बार देख लीजिएगा कि जो MI टाइप है, MI मतलब मूविंग आयरन बना, ये ऐसा बना हुआ रहता है, ठीक है। कैसे? अगर आपका कोई मीटर है यहाँ, तो भाई हम थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, कुछ ज्यादा चीज़ बता रहे हैं छूट जाता है कभी कभी, या कुछ याद जो जरूरत नहीं जाती है, तो उसके लिए हम क्या होता है, जैसे अपना क्या होता है स्केल होता है। और याद रखिए जो स्केल अपना होता है ना वो सब चीज़ बना होता है, और यहाँ पर पॉइंटर बना होता है, और यहाँ जगह होती है जहाँ पर ये सिंबल बनाया हुआ रहेगा, ठीक है। वैसे चर्चा कर दिए होंगे आपको पता होगा ये क्या होगा, ये वाला सिंबल यहाँ बना हुआ है, समझ आएगा कि आप एसी पर मेजरमेंट करने वाले हैं कि डीसी पर मेजरमेंट करने वाले हैं, केवल डीसी मेजरमेंट करने वाले हैं। तो ये वाला सिंबल रहेगा, अगर इसके में आपको उठाकर लाना होगा, मेजरमेंट करना होगा, इसी पर काम करना होगा, तो MI टाइप वाला जो भी मीटर है उसको उठाकर लाएंगे। और हम बात करेंगे क्या कि MC टाइप है ना, MC मतलब क्या था, मूविंग कॉइल टाइप, मूविंग कॉइल टाइप, ठीक है। मूविंग कॉइल टाइप अगर बात कर रहे थे, MC टाइप बोले थे, ये जो था MC मतलब ओनली फॉर डीसी पर काम करने वाला था, डीसी पर काम करने वाला था, इसमें कॉइल घूमता था, इसमें जो आपका आयरन बार था वही घूमता है। चलिए ये बात हम लोग पढ़ चुके थे, और इसके प्रकार MI टाइप के प्रकार भी पढ़ चुके हम लोग, रिपल्सन रिपल करके और अट्रैक्शन मतलब अट्रैक्ट करके, दोनों चीज़ हम आपको दिखा भी चुके हैं, ठीक है। ये था हमारा पिछली कहानी, फिर आप चलते हैं। और याद रखिए आज के टॉपिक में देखिए बहुत ज्यादा चीज आप लोग यूट्यूब पर जाकर बहुत चीज़ों को पढ़ते हैं, लेकिन याद रखिए कि आप एक अमीटर या वोल्टमीटर या एम्पीयर बनाते नहीं है, मतलब डिजाइन नहीं करते, आपका काम है मेजरमेंट करना, एज अ टेक्नीशियन आपको मेजरमेंट करना है, सिर्फ उसको ठीक करना है, लगाना है, ये आपको पता चाहिए। लेकिन जो भी उसका रेंज है, क्या क्या अंदर लगे हैं, कितने रेंज के लगे, वो आपको मेजरमेंट करने की जरूरत नहीं होती, समझ रहे आपको। तो ज्यादातर रिसर्च नहीं करेंगे हम लोग, को क्या करना, जॉब लेना है, तो जॉब लेने के लिए पर्पस से काम कर रहे हैं, और कुछ कुछ लोग काम कर रहे हैं, तो काम करने वालों को भी बहुत ज्यादा चीज समझ में आ रही होगी, काम कर रहे होंगे, ठीक है। तो बढ़ते आगे टॉपिक पर चलते हैं कि आज का टॉपिक अपना क्या है, ओम मीटर शुरुआत है, ठीक है। लास्ट में देखते क्या ओम मीटर को क्लीन कर देते हैं और शुरुआत करते हैं सबसे के साथ, अपना क्या था ओम मीटर, ध्यान दीजिए क्या है ओम मीटर, ओम मीटर मतलब क्या, ओम आपको नाम से ही पता चलता है कि ये प्रतिरोध की इकाई होती है ओम, तो प्रतिरोध को मापते हैं ओम में, तो प्रतिरोध मापने वाले मीटर को क्या करते हैं, प्रतिरोध ओम मीटर लगा करके मेजरमेंट करते हैं। एक्चुअली आपको पता है कि प्रतिरोध निकालने के लिए आप ओम मीटर का प्रयोग नहीं करेंगे तो आप प्रतिरोध निकाल लेते हैं, लेकिन हर जगह वो चीजें फेलियर कर जाती है, सॉरी या जो है हर जगह प्रयोग नहीं किए जाते हैं। तो कैसे प्रयोग करते हैं, शुरुआत में आप अगर किसी भी चीज का इस्तेमाल क्या रेजिस्टेंस है और इसका अगर प्रतिरोध मेजरमेंट करना है, ठीक है, तो क्या करना है, इसमें कितना करंट जा रहा है और इसका कितना वोल्टेज आप इसमें दे रहे हैं, तो इन दोनों का जो आप रेशियो निकालते हैं, क्या होता है वी अपॉन आई, मतलब वोल्टेज और करंट का इस तरह का रेशियो निकालते थे, ये क्या आर का मान निकलता था यानी ओम में निकलता था। लेकिन वोल्टेज और करंट मेजरमेंट करने के लिए दो डिवाइस लगेंगे, लगेंगे कि नहीं लगेंगे, ये जरूरी नहीं है कि ओम मीटर और सॉरी ये वोल्ट मीटर और एम्पियर मीटर जो है आपका सभी रेंजों पर काम करेगा, ये जरूरत नहीं है। इसलिए स्पेशल जो भी साइंटिस्ट है फिजिक्स वाले जो भी ओम मीटर इस पर काम करते हैं, इलेक्ट्रिकल में जो लोग विद्वान है, उन्होंने क्या किया कि भाई ए मीटर और वोल्ट मीटर लगाकर दो दो चीजें लगाकर एसी को मेजरमेंट करने के लिए ढेर सारे लॉसेस हैं, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ये सब लोचा लफड़ा वाला काम है, इसलिए कोई एक ऐसा जुगाड़ बनाइए जिससे बहुत चीजें नहीं लगाते, सीधा सीधा किसी भी तार का किसी भी इक्विपमेंट का औजार का औजार मतलब मतलब डिवाइस इलेक्ट्रिकल डिवाइस उसका क्या करें प्रतिरोध माप सके। तो इसके लिए क्या लाया गया ओम मीटर लाया, याद रखिए आपको पीछे बताया रेंज आपको याद है प्रतिरोध मापने के अलग अलग रेंज होते हैं, ठीक है। तो अलग अलग रेंज का थोड़ा सा आपको याद होगा तो बताइएगा, थोड़ा समझिएगा कि मान लीजिए लो रेजिस्टेंस एंड लो, लो रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना था, याद है आपको 0 से 1 ओम था, ठीक है। और आपका मीडियम रेजिस्टेंस की बात करें वो था 1 ओम से 100 किलो ओम था, अगर याद रखिएगा। और ये हाई रेजिस्टेंस की बात करें, हाई रेजिस्टेंस की बात करें तो कितना था 100 किलो ओम से ऊपर, यानी मोर देन 100 किलो ओम, ठीक है। ये सभी चीजें अगर इसकी पर्टिकुलर अगर मेजरमेंट करें तो कई तरीके अपनाए जाते हैं, इसलिए ओम मीटर को भी क्या किया कि कई प्रकार में बांट दिया, ठीक है। कि ओम मीटर क्या है, ओम मीटर जो है प्रतिरोध मापने वाली युक्ति है, सीधा सीधा कहानी आपको पता है, ये तो आराम से याद होगा, कोई दिक्कत नाम ही ओम मीटर है, तो ओम मेजरमेंट करेगा ओम इकाई या प्रतिरोध का, तो प्रतिरोध की वैल्यू वो मेजरमेंट करेगा। ये भी पता है कैसे मेजरमेंट करेगा, बेसिकली सबसे पहले आप जान लीजिए ये दो प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के, दो प्रकार के, पहला होता है सीरीज टाइप ओम मीटर और दूसरा होता है शंट टाइप ओम मीटर। क्या होता है सीरीज टाइप और शंट टाइप, सीरीज टाइप और शंट टाइप का प्रयोग क्यों करते हैं और कैसे उपयोग किया जाता है ये बातें आपको बताएं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा जब भी हम लोग सीरीज प्रकार के ओम मीटर का प्रयोग करते हैं, याद रखिए हाई रेजिस्टेंस मतलब याद रखिएगा कि ये जो है अपना किलो ओम वाला जितना भी रेजिस्टेंस होता है उसको मेजरमेंट करता है, कितना किलो ओम में जो भी रेजिस्टेंस होता है उसको मेजरमेंट करता है, जीरो मत समझिएगा किलो ओम, समझ गए, मतलब हाई रेजिस्टेंस लेवल की बात करें ये किलो ओम में 100 किलो ओम 100 किलो ओम ये सारा का सारा क्या है किलो ओम में ये मेजरमेंट करेगा सीरीज टाइप ओम मीटर। अब सीरीज टाइप ओम मीटर क्या होगा हम देखेंगे। दूसरा शंट टाइप, शंट टाइप में क्या होता है आपको पता है कि रेजिस्टेंस को जोड़ेंगे, शंट मतलब समांतर, समझेगा शंट मतलब समांतर की कहानी होती है, जो भी चीज जिस चीज को मेजरमेंट करेंगे उसका जो करेक्शन जो हम लोग टच कराएंगे वो शंट में मतलब इस डिवाइस के करेक्शन के सर्किट के समांतर में कराएंगे, इसीलिए क्या कहते हैं इसको शंट टाइप ओम मीटर कहते हैं। कैसे होगा ये भी आपको दिखाएंगे, लेकिन आप एक विजुअल चर्चा करेंगे क्या होने वाला है आगे। तो शंट टाइप का जो अगर शंट में प्रतिरोध का जोड़ेगा तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, अर्थात ये शंट टाइप, शंट टाइप का जो ओम मीटर है उससे हम लोग मान लीजिए कि 0 से लेकर 0.1 ओम की बात करें, लो रेजिस्टेंस की बात करें, तो लो रेजिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए शंट टाइप ओम मीटर का प्रयोग करेंगे। लो रेजिस्टेंस मतलब कम वैल्यू वाला जो ओम है प्रतिरोध का वैल्यू है वो किससे प्रयोग करेंगे, शंट टाइप। देखिए बुक में ऐसा लिखा हुआ है, मेंशन नहीं किया गया आपके साथ, लेकिन याद रखिएगा क्यों, क्योंकि चर्चा कर लेता है कि कॉन्सेप्ट आपको रेजिस्टेंस को कॉम्बिनेशन करने का कॉन्सेप्ट बता चुका है, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी बता चुका है, इसी बड़ी बात आपको आ जाता है। अब हर चीज आप बुक में खोजेगा तो मिलेगा नहीं, वो कॉन्सेप्ट में छुपा हुआ रहता है वो आपको समझना पड़ता है, समझ गए। थोड़ा सा चर्चा करें, धीरे-धीरे देखिए बहुत चीजें होती है लेकिन ज्यादा चर्चा नहीं कर पाएंगे, क्यों बताइए, तो ऐसा आपको बीटेक वाला आईटीआई करना है ना भाई, आईआईटी नहीं करना है ना, तो आईटीआई जैसे थोड़ा लेवल बढ़ा के डिप्लोमा वाले भी इसको समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं, ठीक है।
तो चलिए चर्चा करें सीरीज टाइप ओम मीटर और शंट टाइप ओम मीटर। शुरुआत करते हैं सबसे पहला क्या आपका सीरीज टाइप ओम मीटर क्या होता है, यानी श्रेणी प्रकार का ओम मीटर। इसके कनेक्शन को समझिएगा, कैसे बनाया जाता है और कैसे जोड़ा जाता है, इसमें क्या क्या लगे होते हैं, उसका काम क्या होता है, और इसका जो स्केल होता है सबसे ज्यादा स्केल पर आधारित क्वेश्चन पूछता है। और आपको समझ में आएगा, उल्टा नजर आएगा आपको, ये आपको समझ में भी आएगा थोड़ी देर में कि खुद आप देखेंगे तो आपको पहली बार जाएगा उल्टा, इसका रीडिंग उल्टा जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये आपको समझाएंगे थोड़ी देर। आई क्या ये सीरीज टाइप का सर्किट डायग्राम, क्या सीरीज टाइप का सर्किट डायग्राम, सीरीज टाइप ओम मीटर। इसका मतलब ये है कि इस प्रकार के यानी श्रेणी क्रम वाले जो ओम मीटर है उसमें जो जिस भी पदार्थ का जिस भी मटेरियल का पर्टिकुलर मेजरमेंट करेंगे वो इस डिवाइस के सर्किट के श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। ध्यान दीजिए, श्रेणी क्रम में जोड़ने का मतलब मान लीजिए कुछ नहीं है, ये अपना ओम मीटर है, ओम मीटर है, इसका नोब लगाया हुआ, ये जो निकाला गया, ठीक है, इसको कुछ यहां रीडिंग देगा, ठीक है, रीडिंग देगा, इसका कुछ नहीं, ये सब डायग्राम भूल जाइए भैया। ये तो क्या करना है, इसका जो कनेक्शन होता है, ये मान लीजिए कोई भी मान लीजिए रजिस्टर है, जैसे आप कोई रजिस्टर मेजरमेंट करते हैं उसको माप सकते हैं, या कोई तार है, या कोई डिवाइस है, या बल्ब है, या उसका पर्टिकुलर मेजरमेंट करेंगे, क्या करेंगे, इसका नोब होता है, इसके नोब पर क्या करिए, इस दोनों चीजों को हटा दीजिए, ये रीडिंग देगा ना, ये इस रेजिस्टेंस का मान यानी ओम में देगा, ओम में देगा तो ओम में देगा, और किलो में देगा तो किलो में देगा, उस हिसाब का हम लोग रेजिस्टेंस ओम मीटर लगाएंगे, उसके कोई दिक्कत है, मतलब सीधा लगा देंगे तो ये मेजरमेंट देगा, ये कैसे देगा, ये बात हम आपको समझाने वाले, मतलब सीधा ओम मीटर है। तो यहां जो जोड़े हैं इसके सर्किट का कनेक्शन जो पैरेलल में है सीरीज में, ये तो तय करेगा ना कि कितने वैल्यू का मेजरमेंट कर रहे हैं। तो आइए समझते सीरीज टाइप बारे में। देखिए सीरीज टाइप में क्या क्या लगा हुआ, एक बैटरी लगी हुई है, क्यों भाई, अगर किसी भी प्रतिरोध का कोई डिवाइस हो या रेजिस्टेंस हो उसका आपको प्रतिरोध मेजरमेंट करना है तो आपको वैल्यू चाहिए, वैल्यू चाहिए तो उसको काम करने के लिए मूविंग सिस्टम के लिए करंट इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी चाहिए, नहीं चाहिए, यानी सप्लाई से नहीं जोड़ना पड़ता है, ध्यान दीजिएगा, ये वोल्टमीटर नहीं है कि बोर्ड में घुसा देगा मेजरमेंट कर लेंगे, ये अलग से एक्चुअल डिवाइस होता है, उसमें खुद पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट फिट होता है, पीएमएमसी मतलब उसमें परमानेंट मैग्नेट भी होता है और ये क्वाइल भी होता है घूमने वाला, क्या है मूविंग क्वाइल वाला, तो वो सारी चीज फिट होते हैं इसमें, ठीक है, इसको सप्लाई आकाश देंगे, मेजरमेंट करेंगे, बैटरी बैटरी लगाना पड़ेगा, ठीक है, तो बैटरी क्यों लगाएंगे, वोल्टेज के लिए, बाकी वोल्टेज बैटरी लगाकर करंट देगा ही, और रेजिस्टेंस किसमें आएगा, तो याद रखिएगा क्या है, ये बैटरी लगाना पड़ेगा, ये सेल लगाना पड़ेगा, इसमें से क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, ये अपना क्या है, ये ओम मीटर है, इसका जो रेजिस्टेंस है कोई भी मशीन या कोई भी डिवाइस होता है उसका अपना इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस का मतलब उस डिवाइस में जो आपका वोल्ट मीटर है या एमीटर है या ओम मीटर है कुछ भी है, उसमें कई तारें लगी होंगी, डिवाइस लगा होगा, सिस्टम में कनेक्ट होगा, उसका अपना प्रतिरोध होगा, जिसके इंटरनल प्रतिरोध का मैक्सिमम वैल्यू जो होता है सबसे अधिकतम मान कुल कैलकुलेट करके उसके अंदर के सभी प्रतिरोधों को जोड़ करके जितना प्रतिरोध होगा या डिवाइस का उसको आर एम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आर एम, ध्यान दीजिएगा, आर एम, आर एम मतलब जो भी डिवाइस है उसका मैक्सिमम प्रतिरोध, ठीक है, और याद रखिए ये जो वेरिएबल रेजिस्टेंस R2 लगाया गया है, ये क्यों लगाया गया है, इसको इसमें जो करंट चलेगा इसके रास्ते में इसको करंट रेजिस्टेंस को मेजरमेंट करके यानी एडजस्ट करके इसमें से करंट कितना जाना चाहिए उसको एडजस्ट करता है, करंट एडजस्टेबल R2 रेजिस्टेंस लगाता है, और ये देखिए R1 यहां पर लगाया गया, ये कहां लगाया गया, इसके रास्ते में, और याद रखिए ये जो आपका पॉइंट दिखाना A और B इसको खुला समझ लीजिएगा, ये यहां कुछ नहीं, और ये जो अपना RX है, RX ये आपको पता करना है कि RX कितने ओम का है, RX कितने ओम का है ये आपको पता करना है, ये तो ये पूरा का पूरा कंडीशन ये ओम मीटर का, और ये दो तार नोब समझ लीजिए, यहाँ निकाले थे ना, ये समझ लीजिए, यहाँ जिस चीज को मेजरमेंट करना है यहाँ रखना है, इसका कनेक्शन कैसे है, ये बैटरी, बैटरी से लगा ये मीटर, मीटर में कनेक्टेड होकर डायरेक्ट क्या है, एक सीरीज रेजिस्टेंस है, ठीक है, और सीरीज रेजिस्टेंस है इस सिस्टम के जस्ट सीरीज जुड़ा गया, देखिए जुड़ा गया ना, तो सीरीज टाइप के ओम मीटर में जो प्रतिरोध का कनेक्शन होगा वो श्रेणी क्रम में होगा, क्या होगा, श्रेणी क्रम में होगा, आप याद रखिए जब श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ इसमें जाने वाला करंट और वोल्टेज ड्रॉप होगा वो क्या होगा, अलग अलग होगा, और सीरीज क्रम में जुड़ा गया है तो रेजिस्टेंस का वोल्टेज ड्रॉप अलग होगा, ध्यान दीजिए दो कंडीशन हो सकती है, इसमें अगर इस रेजिस्टेंस को खाली कर दिया, खोल दिया जाए, आप देखिए सीधा आपको नोब दिखा है, रेजिस्टेंस नहीं दिखा है, रेजिस्टेंस नहीं दिखा है, इसमें क्या होगा, खुला होगा, इसमें कुछ नहीं, हटा दीजिए, समझ गया, ये इसको हटा दीजिए, ये क्या खुला रहेगा, खुला, अब जो सोचिए इसमें करंट जा रहा था यहाँ पर खुला छोड़िए इसमें करंट जाएगा, नहीं जाएगा, ऐसे सिचुएशन में इसको ओपन सर्किट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ओपन सर्किट, जब ओपन सर्किट होगा तो इसका जो स्केल है ये क्या बताया जाते हैं, ये इन्फिनिट बताइए, अगर कुछ जुड़ा ही नहीं हुआ है ये तो समझिएगा इससे करंट नहीं जाएगा, और करंट कहां से नहीं जाता है, जिस रास्ते का प्रतिरोध अधिक होता है, मतलब इसके रास्ते में इतना प्रतिरोध है कि करंट जा ही नहीं सकता, करंट जाने का कोई उपाय ही नहीं है, इसका मतलब प्रतिरोध का मान क्या है, इतना ज्यादा है, बहुत मैक्सिमम है, अनंत है इन्फिनिट के लिए, यानी ऐसे सिचुएशन में मीटर में जो रीडिंग देगा अपना क्या देगा, इन्फिनिट, इन्फिनिट का मतलब ये हुआ कि ये बताएगा आपको किसी भी तार जो नोब है इसका, ये नोब यहाँ ना इसके प्रोब कहते हैं इसको, इस पर कोई चीज जुड़ा ही नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में रीडिंग क्या देगा, इन्फिनिट देगा, अगर इसके बीच में एक ऐसा तार लगा दीजिए जिसका आयस जो है ये इसका मान जीरो हो जाए, जीरो तो प्रतिरोध का मतलब जीरो, और इस समय प्रतिरोध का मान जीरो होगा यानी बहुत कम होगा, तो क्या करेगा इसका जो रीडिंग आपको जो जैसे आप ओम मीटर में लगाएगा ना तो इसका जो स्केल है वो जीरो पर आकर चलाएगा, डायरेक्ट जैसे आप सटाएंगे रेजिस्टेंस के ओम मीटर वाला जहाँ जाएंगे ऑन करने के बाद जैसे ही आप तार को सटाएंगे तो क्या हो जाते हैं सीधा सीधा स्केल जीरो पर चला जाएगा, ये रीडिंग रहा था जीरो चला जाएगा, अब जीरो चला जाएगा इसका मतलब उसमें तार जुड़ा हुआ है लेकिन उसका कोई प्रतिरोध नहीं है, तो एक चीज बताइए समझ में थोड़ा सा अगर हम चर्चा कर ले कि अगर कोई तार नहीं था तो ये इन्फिनिट बता रहा था, अगर तार जीरो रेजिस्टेंस वाला शॉर्ट कर दिया गया है तो ये क्या बता रहे हैं जीरो बता रहे कि इस तार का कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं, अगर आपको हम समझाएं कि क्या करें कि आपको ये जीरो है तो जीरो कंडीशन में आपको एक चीज समझ में आएगा इसका प्रयोग एक चीज के लिए और कर सकते हैं किसी भी तार के कंटिन्यूटी टेस्ट करने के लिए, कंटिन्यूटी टेस्ट करने के लिए कैसे करते हैं ध्यान दीजिएगा कि अगर ये दो प्रोब है ये इसमें एक दो तार मान लीजिए तार आपका बीच में कटा हुआ कि नहीं हुआ आपको पता कैसे चल सकता है, मान लीजिए तार गोल 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 है दो इंच से आपको जब गया भाई दूसरा गोल गोल मारो ये गोल 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 तार है मतलब करंट करके रखा गया इसके अंदर चुहा बीच में जाकर काट दिया चुहा बीच में काट दिया आपको पता नहीं चलेगा पूरा बंडल है तो अगर करंट नहीं जा रहा तो मेजरमेंट करने के लिए आप इस ओम मीटर से आप कंटिन्यूटी टेस्ट कर सकते हैं हम वाइट पेपर में चलेंगे वहां मेजरमेंट पूरा देखेंगे कि ओम मीटर का प्रयोग कहां करते हैं ये देखिए अगर इसको इसके साथ ले जाए इसका दो तार निकाल लीजिए यहां टर्न कर दीजिए ये अगर तार कटा हुआ नहीं रहेगा सीधा सीधा कंप्लीट सही अवस्था में रहेगा तो उसका क्या बताएगा जीरो बताएगा जीरो का मतलब तार कटा हुआ है तार का रेजिस्टेंस क्या है जीरो है तो क्या समझिए ये जीरो बताएगा इसका मतलब तार सही है कंटिन्यूटी टेस्ट कर सकते हैं
ठीक है, अगर बीच में चूहा काट दिया तो काट दिया, जब सटाएंगे तो भी इसका सर्किट नहीं जुड़ेगा, और सर्किट नहीं जुड़ेगा तो इसका डिफ्लेक्शन क्या होगा, सीधा सीधा इन्फिनिट बताएगा, इसका मतलब तार बीच में कटा हुआ है। देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट की बात है, प्रैक्टिकली बात है, इसलिए हम आपको बोल रहे हैं सर यहाँ चर्चा नहीं करना चाहिए था, चर्चा तो रेजिस्टेंस है ओम मीटर तो कर ही देना अच्छा बनता है, क्योंकि आरएस का मान जीरो हो जाता है, जीरो बताता है खोल देते हैं इन्फिनिट बताता है, इसका मतलब जुड़ा हुआ नहीं, ठीक है थोड़ा सा क्लीन कर यहाँ पर। देखिए इसका मतलब है कि सीरीज टाइप में जो मेजरमेंट करने का है उसमें दो रेजिस्टेंस लगे होते हैं, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस, एक फिक्स रेजिस्टेंस, एक आरएम जो मेजरमेंट में इंस्ट्रूमेंट होता है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, और ये अननोन प्रतिरोध जिसका मान आपको ज्ञात करना है। और याद रखिए एक हमेशा क्वेश्चन से पूछता है कि एक समझ लीजिएगा कि अगर ये आरएक्स का मान जीरो हो जाए, आरएक्स मतलब जिस चीज का मान आप प्रतिरोध का मेजरमेंट करने जा रहे हैं उसका मान अगर जीरो हो जाए ऐसी स्थिति में इससे करंट क्या जाएगा, मैक्सिमम करंट जाएगा, क्यों, क्योंकि प्रतिरोध जीरो है तो प्रतिरोध जीरो है तो करंट उस रास्ते सबसे अधिक तक जाती है जहां क्या प्रतिरोध जीरो होता है, इसका मतलब क्या है ये इधर से अगर नहीं जाएगा करंट इधर से चला जाएगा, समझ गए, ये कब होगा जब किसी भी ओममीटर के आरएस मतलब अननोन प्रतिरोध का मान जीरो हो उस समय करंट क्या मैक्सिमम होगा, ये ऑप्शन में और लाइन बाय लाइन में पूछा जाता है, क्या कहेगा कि करंट कब मैक्सिमम होता है, जब रेजिस्टेंस का मान जिस चीज का रेजिस्टेंस आपको पता करना है उसका मान अगर जीरो है बहुत कम है वैसी स्थिति में ओममीटर से सबसे ज्यादा मैक्सिमम करंट इधर से गुजरेगा, ठीक है। और याद रखिएगा ये स्केल, याद रखिए स्केल में सीरीज टाइप वाला में क्या होता है, सटाने के बाद जस्ट जीरो पर पहुंच जाता है तो ये नीडल क्या है फिक्स जीरो पर चला जाता है और रीडिंग किधर की तरफ देता है, बाएं तरफ इधर, ठीक है, इसका मतलब यहाँ से देखिए इसे बढ़ाते बढ़ाते देखिए यहाँ से वैल्यू क्या है 250 500 किलो 750 एक दो तीन चार पाँच ऐसे निकल गया, इसका मतलब क्या है सीधा समझिएगा कि इधर रेजिस्टेंस का मान क्या है वैल्यू बढ़ेगा, ये इन्फिनिट पर आ जाएगा तो जीरो से लेफ्ट मतलब राइट में क्या है जीरो है और लेफ्ट में क्या इन्फिनिट है, तो सीरीज टाइप ओममीटर के स्केल में जो अनंत होता है इन्फिनिटी होता है क्या होता है आपको याद रखिए ये राइट साइड है राइट टू लेफ्ट होता है, राइट टू लेफ्ट का मतलब इन्फिनिट किधर है लेफ्ट में, देखिए अभी मिस्टेक हो जाएगा बोलते समय तो कवर करिएगा लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है मतलब जीरो राइट साइड में और इन्फिनिटी जो अनंत होता है वो लेफ्ट साइड में होता है किसमें सीरीज टाइप में। अब सीरीज टाइप में क्या क्या कहानी बनता है ये हम आपको समझा रहे, देखिए लाइन टू लाइन देखिए क्या लिखा गया है कि जब अज्ञात प्रतिरोध का मान शून्य हो मतलब ये आरएस का मान अगर जीरो हो समझ गए ऐसी स्थिति में करंट अधिकतम होता है, ऐसी स्थिति में करंट का मान क्या हो जाएगा मैक्सिमम होगा, ये बात तो सही है कि जब करंट रेजिस्टेंस का मान जीरो हो जाएगा उस समय सबसे ज्यादा करंट जाएगा, ये सीरीज कंडीशन का है। दूसरा है कि जब परिपथ के बीच कोई भी प्रतिरोध ना हो अर्थात ये जो परिपथ है सीरीज वाला, जब परिपथ में सीरीज में एक ऐसा हटा दीजिएगा तो खुला परिपथ हो जाएगा ओपन सर्किट हो जाएगा, तो ओपन सर्किट हो जाएगा खुला हो जाएगा ऐसे कंडीशन में करंट जाएगा ही नहीं, इसका मतलब इस दोनों ए और बी के पॉइंट के बीच का रेजिस्टेंस क्या अनंत हो जाएगा, समझ रहे बात को नहीं जा रहे, खोल देखा नहीं कई लोग कहेंगे कि सर्किट ओपन हो जाएगा तो रेजिस्टेंस का मान जीरो हो जाएगा, रेजिस्टेंस का मान जीरो नहीं होगा, जीरो तब होगा जब एक बिना रेजिस्टेंस में तार जोड़ देंगे, समझ गए, तो करंट को जाने के लिए रास्ता चाहिए ना, रास्ता ही हटा लिए तो करंट नहीं जा रहा है, इसका मतलब बहुत ज्यादा प्रतिरोध है, अब बहुत ज्यादा प्रतिरोध होगा जब सर्किट को खोल देते हैं तो ओपन सर्किट होगा, अगर ओपन हो तो पैमाना अनंत बताता है कि ओपन हो लगा ही नहीं है तो ये क्या बताएगा इन्फिनिट बताता है, करा कि इन्फिनिटी बताता है, और ये भी याद रखिए कि सीरीज टाइप ओममीटर के पैमाने में राइट साइड क्या होता है जीरो होता है, राइट साइड जीरो होता है और लेफ्ट साइड जो होता है वो इन्फिनिट होता है, ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है बार बार, समझ गए आपको ये मेन क्वेश्चन आपके लिए, और ये ओपन होता है तो प्रतिरोध का मान क्या होता है अनंत होता है, अगर आरएस का मान जीरो होता है तो इन्फिनिट वो क्या होता है ओममीटर का मान जीरो में आ जाता है, ध्यान दीजिएगा, और करें कि सीरीज टाइप ओममीटर में, सीरीज टाइप ओममीटर में पैमाने में राइट साइड तो कह दिए, करें कि ओममीटर का उपयोग, अच्छा देखिए ओममीटर का उपयोग की बात करें तो ओममीटर क्या प्रतिरोध मेजरमेंट करता है, तो प्रतिरोध मेजरमेंट करने के लिए कहां कहां जरूरी होता है, देखिए सबसे पहली बात हम आपको बताएं कि आप मोटर में क्या वाइंडिंग होता है, आर्मेचर होता है और इसमें स्टेटर होता है, तो आर्मेचर में कॉइल होता है उसका रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए ये मेजरमेंट करने के लिए, यानी मशीन में कॉइलों का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए ओममीटर का प्रयोग करते हैं, और इतना ही नहीं कोई भी हीटिंग एलिमेंट है, याद रखिएगा इधर बात बाकी जो अपना रेजिस्टेंस का पता करते हैं तो वोल्टमीटर मीटर लगा होता है उससे कैलकुलेशन करके आप पता कर लेते हैं, लेकिन इसका ओममीटर का प्रयोग हीटिंग एलिमेंट जो भी हीटिंग एलिमेंट है जैसे हीटर है या इंडक्शन भट्टी है इंडक्शन फर्नेस जिसको बोलते हैं उसकी रेजिस्टेंस की अगर बात करें और बड़े बड़े जो ओवेंस वगैरह होते हैं उनकी हीटिंग एलिमेंट की बात करें उसमें जो एलिमेंट लगा होता है उसका रेजिस्टेंस होगा उसको मेजरमेंट करने के लिए क्या करेंगे ओममीटर का प्रयोग करेंगे, यानी हीटिंग एलिमेंट सुनो जो लोग हम यहां पर हिंदी में लिखा गया नहीं पढ़ पाते हैं तो चर्चा तो बोल रहे हैं इसमें आप लीजिएगा हीटिंग एलिमेंट तथा मशीन के कॉइल रेजिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए प्रतिरोध मेजरमेंट करने के लिए क्या करते हैं ओममीटर का प्रयोग करते हैं, क्या रखिए क्या ओममीटर का प्रयोग करते हैं, बेसिकली ये सब कहानी था, इसमें एक्सटेंशन के लिए फॉर्मेट ड्राइव करना आपको करना नहीं है, लेकिन बार बार इस बात को बोलते नहीं करना क्योंकि आप देखेंगे नहीं जाकर किसी आजकल तो आपके पास नेट फ्री है, ठीक है आप क्या करते हैं सारी चीजें लेते हैं, तो हम याद करें टाइम आप कीमत करिएगा जितनी चीजें आपको बता रहे हैं उसी को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है चलिए आगे बढ़िए चलते आगे क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा तब मुझे बोलिएगा, चलिए अब सीरीज टाइप ओममीटर के बाद आता है शंट प्रकार का ओममीटर, देखिए सीरीज टाइप को अगर सही से देखेंगे तो शंट टाइप में कुछ बदला बदला चीज़ आएगा, शंट टाइप ओममीटर में क्या कहानी है मैं आपको बता दें कि शंट टाइप ओममीटर में देखिए ये जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है ये पहले यहाँ लगा हुआ था, आप देखिए यहाँ लगा हुआ था, इस स्थिति में बैटरी लगी होती है बैटरी लगाने वाला है, और याद रखिए कि आपको सीरीज टाइप ओममीटर में क्या था स्विच का कोई व्यवस्था नहीं था, स्विच का इसलिए व्यवस्था नहीं था कि जब कोई रेजिस्टेंस नहीं मेजरमेंट करना था तो सर्किट ओपन हो जाता था, जब सर्किट ओपन मतलब खुला हो जाता है इसमें क्या लगाया ध्यान दीजिएगा ये अपना ऐसा था ना मीटर इसमें क्या लगाए बैटरी लगाए थे और ये यहाँ रेजिस्टेंस था और यहाँ जोड़ दिए एक रेजिस्टेंस और यहाँ पर अपना रेजिस्टेंस मेजरमेंट करने वाला चीज था, अगर ये ओपन हटा लिया जाता था तो सर्किट खुला हो जाता था और बैटरी ओपन सर्किट हो जाता था करंट नहीं जाता था और बैटरी डिस्चार्ज नहीं होता, तो बैटरी डिस्चार्ज नहीं होता इसलिए कोई दिक्कत नहीं इसमें अलग स्विच लगाई या नहीं लगाई कोई दिक्कत नहीं, लेकिन शंट टाइप में क्या होता है बैटरी अपना लगाए क्या किए बैटरी लगाए बट एक स्विच लगाना पड़ता है, क्या बढ़िया इसे स्विच बढ़िया और स्विच क्यों बढ़िया ध्यान दीजिएगा, शंट प्रकार के जो ओममीटर है उसमें कम वैल्यू के रेजिस्टेंस को मेजरमेंट करते हैं, समझिएगा बात अभी बात समझ लीजिएगा कि वहाँ पर अगर कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का पर्सनल नाम दे दे जैसे मेगा की बात कर लें इलेक्ट्रॉन ब्रिज की बात कर लें ओममीटर की बात कर लें सॉरी मल्टीमीटर की बात कर लें तो वो चीज़ अलग होगी वो हम आपको बताएंगे, ठीक है हर बार हर कहानी मेगा ब्रिज पढ़ना तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, इसमें क्या होता है एक ब्रेक करने के सिस्टम लगाना पड़ता है, क्यों लगाना पड़ता है सर इसमें समझिए समांतर में जुड़ा है, ये देखिए ये जो बैटरी है बैटरी के समांतर में कनेक्शन आईएम यानी ये जो आपने करंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लगाया है तो ये डिवाइस लगा हुआ डिवाइस का अपना रेजिस्टेंस होता है कहा कि अपना प्रतिरोध होता है जिसे मशीन का रेजिस्टेंस आरएम बोलते हैं मैक्सिमम रेजिस्टेंस जो होता है उस डिवाइस का ओममीटर का वो होता है, अगर उसके पैरेलल में जोड़ दिए तो आप इधर रेजिस्टेंस लगाए या नहीं लगाए इधर से करंट बाइक इधर जा सकता है, अगर स्विच नहीं होता तो इसीलिए क्या किया कि स्विच ओपन कर दिए मतलब सर्किट ओपन कर दिए तो करंट कहाँ जाएगा नहीं जाएगा, अगर ये नहीं लगा हुआ तो नहीं जाएगा ना तो आपका बैटरी सुरक्षित रहेगा,
चलिए बैटरी की कहानी खत्म हो गई, स्विच क्यों लगा इसका बात समझ में। स्विच क्यों लगाते हैं ये पूछता है भाई कि कौन से टाइप के ओम मीटर में स्विच लगाना अनिवार्य होता है, स्विच लगाना पड़ता है। स्विच लगा हुआ है तो वो एकदम समझेगा कि वो शंट टाइप ओम मीटर होगा। लेकिन ओम मीटर क्या मेजरमेंट करता है? प्रतिरोध को। तो प्रतिरोध कहां लगाएंगे? जो डिवाइस है उसके पैरेलल में लगाएंगे, क्योंकि बैटरी भी पैरेलल और डिवाइस भी पैरेलल। तो पैरेलल जब लगाते हैं इसका भी रेजिस्टेंस होगा, इसका भी रेजिस्टेंस होगा, इसका भी रेजिस्टेंस होगा। अगर सभी रेजिस्टेंस का जोड़ दीजिए इसका टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? इन सभी रेजिस्टेंस के योग से कम हो जाएगा। इसका मतलब इसमें कम वैल्यू के प्रतिरोध का मान वाला जो भी डिवाइस आप मेजरमेंट करेंगे इसके रेजिस्टेंस को, तो उस रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या कम होगा। अतः कम मान के रेजिस्टेंस को मेजरमेंट करने के लिए शंट टाइप ओम मीटर या रेजिस्टेंस मापने वाले उपकरण का प्रयोग करेंगे। ऐसे सिचुएशन में भी यही हाल है। अगर सर्किट ये ओपन है, सर्किट ओपन मतलब कोई रेजिस्टेंस नहीं लगाया, ये प्रूफ है। हमने कहा ए और बी नो होता है, ये दोनों मान लीजिए, ऐसा निकाल दीजिए इसको, ये यहां पर हमारा रेजिस्टेंस लगाना होता है। अगर इसको नहीं लगाएं, ये ओपन है, ओपन सिचुएशन देखिए करंट जा रहा है, इसमें इस स्थिति में स्विच को ऑन कर दिए यानी सर्किट को क्लोज कर दिए, जोड़ दिए तार को, तो ऐसे सिचुएशन में ये वोल्टेज निकालेगा और वोल्टेज ड्रॉप होगा ही होगा। वोल्टेज ड्रॉप अगर जाएगा तो इस सिचुएशन में भी क्या होगा, आपका जो रेजिस्टेंस मापने वाला युक्ति ओम मीटर है उसकी रीडिंग शुरू से क्या होता है, यहाँ पर जीरो बताता है। क्यों बताता है? क्योंकि इससे पहले यहाँ पर देखिए तार जुड़ा हुआ है और आज हमारा जीरो है, इस सिचुएशन में पहले जीरो बताना शुरू कर देगा। अगर पहले जीरो बता रहा है समझिए, तो पहले क्या है, जीरो है। इसका मतलब है कि लेफ्ट साइड में आपका क्या है, जीरो है। सब टाइप के स्केल में जो है वह जीरो क्या होता है, लेफ्ट साइड होता है, और मान बढ़ते जाता है, जैसे जितने जितने मान का रेजिस्टेंस लगाते जाएंगे और रेजिस्टेंस का मान बढ़ता जाएगा, तो रेजिस्टेंस का मान बढ़ता जाएगा, तो क्या बढ़ते 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 इन्फिनिट हो जाएगा। बढ़ते बढ़ते जितना मान चेक करेंगे और खोल देंगे, तो इससे भी क्या होगा, रेजिस्टेंस कोई करंट दस नहीं जाएगा, तो उसमें लास्ट में आप क्या बताएगा, इन्फिनिट बताएगा। इन्फिनिट मतलब अनंत बताएगा। अनंत का मतलब ये समझिए, अनंत अगर कोई ओमीटर बता रहा है इसका मतलब है कि उसके साथ कोई भी ये क्या रेजिस्टेंस इन पर्टिकुलर जुड़ा हुआ नहीं, वो सब की ओपन है। हर बात चर्चा कर रहे हैं, आगे जब तक जाएंगे इस बात को और भी आगे जाएंगे तो समझते जाएंगे। मतलब इसका जो स्केल होता है वो फुल डिफ्लेक्शन होता है। फुल डिफ्लेक्शन मतलब पूरा का पूरा डिफ्लेक्शन का मतलब ये हुआ कि जो भी करंट देता है मेजरिंग करता है, तो अगर करंट यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा दिए तो जीरो बताया, और फुल डिफ्लेक्शन का मतलब इसमें हर एक डिफ्लेक्शन का एक किलो ओम रेंज होगा। कितना होगा? एक किलो ओम रेंज होगा। आप देखिए 3, 4, 5, 10 तक दिया गया, इसका फुल डिफ्लेक्शन होगा। मिडिल में जो इसकी मैक्सिमम डिग्री होगी, ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, क्योंकि आपको लाइन में नहीं लिखा गया, इंस्ट्रक्शन में लिखा गया। ये जीरो से इन्फिनिटी के बीच का जो डिग्री होता है यानी स्केल डिफ्लेक्ट करता है, वो कितना डिग्री का मैक्सिमम डिफ्लेक्ट करता है, याद रखिएगा। थीटा का मान कितना जाएगा, 100 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ कि जीरो से इंफिनिटी जो फुल स्केल का पूरा कहानी है वो कितने डिग्री का है, थीटा कितने मान, 100 डिग्री का। ये भी बात बहुत मायने रखता है, कभी कभी पूछ लेता है कि वोल्ट मीटर का कितना डिग्री घूमता है, ए मीटर में कितना डिग्री घूमता है, लेकिन आपको ए मीटर वोल्ट मीटर नहीं पूछता है, यहां पर आपको क्वेश्चन जब भी आता है ओम मीटर में आता है। ठीक है, सम टाइप ओम मीटर, ध्यान दीजिएगा कि सम टाइप ओम मीटर में क्या कहानी है और आगे बढ़े लिखा हुआ क्या है, आपको लिखना क्या, ध्यान दीजिएगा। ये बहुत चीज़ें हैं, हम कितना बताते जाए लगता है कि बहुत कुछ बताए, बहुत कुछ बताएं, लेकिन इंपॉर्टेंट बात बताना है, जो जरूरत है वही बात करना पड़ेगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन वही पूछा जाएगा। बाकी दुनिया की कहानी हम कितना भी बोले आपको अच्छा लगेगा, आप समझ जाएंगे, लेकिन उसका उपयोग नहीं है। जहाँ उपयोग ही ना हो तो क्या जरूरी है, दुकान में जाते हो सामान खरीदने के लिए भाई, वहाँ बहुत कुछ होता है, लेकिन आपको सिर्फ एक साबुन लेना है या कुछ थोड़ा सामान लेना है, तो वो लीजिए, आपका काम से करिए। दुकान में पूछा इसका रेट कितना है, ये होता है, ये कितने का भाई, इसका क्या होता है भाई, अरे आपको जरूरत नहीं, जाओ ना, जरूरत पड़ जाएगा, वो कितने का बात पूछ लेना, अभी पूछे क्या करोगे, समझ बात करो ना, तो यही बात होता है। जितने इंपॉर्टेंट बातें वो हम चर्चा करते हैं आपको समझाने के लिए। चलिए सुनकर आगे कि लिखा क्या है और आपको लिखना क्या है, इसके बारे में क्या क्या बातें है। कहा है कि जो संत प्रकार का ओम मीटर है, इसमें इस प्रकार के ओम मीटर में अज्ञात प्रतिरोध समांतर में जुड़े जाते हैं। भाई क्या लिखा, समांतर क्रम में जुड़े जाते हैं, ये डिवाइस है, इसके समांतर क्रम में अज्ञात प्रतिरोध जोड़ दिया, अज्ञात प्रतिरोध का आरएस, आरएस का मान जीरो होगा, आरएस मतलब ये रेजिस्टेंस सीधा सरकार जोड़ दीजिए, शॉर्ट कर दीजिए, तो आर का मान जीरो हो जाएगा। ऐसी स्थिति में क्या होगा, आपका जो डिफ्लेक्शन है वो क्या बताएगा, इन्फिनिट बताएगा, अनंत बताएगा, और जब इसके बीच में रेजिस्टेंस ओपन खोल देंगे तो क्या बताएगा, ध्यान दीजिए, सॉरी हो गया, जीरो होगा तो इन्फिनिट नहीं बताएगा। सर ये जब जीरो कर देंगे, जैसे करंट का मान समझ लीजिए मैक्सिमम जाएगा, तो मैक्सिमम वैल्यू के जाते समय जीरो करेंगे ना, तार जुड़ा हुआ, इन्फिनिट मतलब तार खुला होना चाहिए, हमने क्या बोल दिया, इन्फिनिट इन्फिनिट नहीं। अगर प्रतिरोध आर का मान जीरो होगा तो ओम मीटर जीरो रीडिंग बताएगा, जीरो रीडिंग का मतलब कोई प्रतिरोध नहीं है। अगर प्रतिरोध या आरएस इसको खोल लीजिए तो आपका रीडिंग क्या बताएगा, इन्फिनिट बताएगा, इसका मतलब ओपन सर्किट बताएगा। इसलिए हमने क्या था, कंटिन्यू टेस्ट कर लिए, ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट मेजरमेंट अगर पता करना है इसे पता कर सकते हैं। चलिए थोड़ा बात करें कि संट प्रकार के ओम मीटर, संट प्रकार के ओम मीटर के लिए फुल स्केल होता है, हमने भी चर्चा किया कि फुल स्केल होता है, फुल स्केल का वैल्यू एक किलो ओम होता है, संट प्रकार के फुल स्केल का वैल्यू एक किलो ओम होता है, आपको बता के लिखाई थे, आप लिख लीजिए। ठीक है, कहा है कि सब प्रकार के ओम मीटर में स्केल पर इन्फिनिटी क्लियर होती है, इस बार इन्फिनिटी की बात क्या हुई, दाहिने तरफ होता है, क्या दाहिने तरफ, राइट साइड, ये लिखा है, देखिए दाहिने तरफ था जीरो जो होता है वह स्केल पर बाईं तरफ होता है, क्या होता है, बाईं तरफ। ये क्वेश्चन जो हम चर्चा करें बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, मैं आपको 120% विश्वास दिलाता हूं कि आज का जो सेशन है किसी भी एग्जाम में अगर दो नंबर लेकर के नहीं आएगा तो आप मुझे बताइएगा। ठीक है, आगे बढ़े वहां से भी क्वेश्चन आएगा, अभी एक नंबर से अपना सोच लेते हैं कि आएगा, लेकिन एक नंबर आगे भी पढ़ेंगे, मीटर वोल्टमीटर का एक्सटेंशन पक्का है। ठीक है, ये लिख लीजिए आप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते, अब अपना क्या है, ओम मीटर का मेजरमेंट कर लिए, मतलब ओम मीटर से प्रतिरोध मेजरमेंट कर लिए, कॉइल का, डिवाइस का, हीटिंग एलिमेंट का प्रयोग करने के लिए ओम मीटर का प्रयोग कर लिए। अब जो है अपना है मल्टीमीटर, क्या है मल्टीमीटर, मल्टीमीटर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स में कम वैल्यू की किसी मेजरमेंट को आप एक चीज मल्टीमीटर मतलब एक साथ साथ कई चीजों को मेजरमेंट कर सकता है, उसी इसको नाम पड़ गया मल्टीमीटर। यदि क्या क्या मेजरमेंट कर सकता है, करंट मेजरमेंट कर सकता है, रेजिस्टेंस को मेजरमेंट कर सकता है, या वोल्टेज को मेजरमेंट कर सकता है, समझ गए आपको, एक और भी कंटिन्यूटी मेजरमेंट कर सकता है, कंटिन्यूटी मतलब सतर्कता, समझ ना, तार कंटिन्यू है कि नहीं, वो भी मेजरमेंट कर सकता है। इससे आपको डायोड को भी चेक कर सकते हैं, डायोड उल्टा है या सीधा है, या डायोड खराब है, डायोड जानते नहीं है, डायोड वाले जो लोग जानते हैं, पूरा हमें नहीं बताया, हम क्या जानते हैं, लेकिन याद रखिए, हमने क्या एक बात याद रखिए कि डायोड का चर्चा कर दिए, तो डायोड का चर्चा कर दिए, अभी आपको समझ नहीं आ रहा, कई लोग कहेंगे सर क्या बताते हैं, बहुत चीज नहीं समझाते, नहीं बताते, देखो मेरे डायोड के बारे में बताने लगे तो पूरा दिन इसी में चला जाएगा। इसलिए अभी नाम ले लीजिए, डायोड बोल दिए, थोड़ा सा समझाएंगे, लेकिन इसका एनालिसिस आपको स्पेशल पढ़ना होता है, जो आपको रेफरेंस पढ़ना होता है। तो कई चीज ऐसे एग्जांपल आपको बताएं कि आप दो दोस्त हैं, आपके दोस्त अचानक से कह दिया कि उसको मारेंगे, छोड़ेंगे नहीं, आपको समझ नहीं आया किसको मारेगा, किसको नहीं मारेगा, क्या हुआ, किसको मारेगा, छोड़ जाएगी बात, पर्सनल बात छोड़, लेकिन कुछ दिन के बाद उसके दोस्त ने किसी व्यक्ति को खूब पीटा, मर्डर कर दिया,
आपको आपको ही और थे आपको अगर उसका पता चल गया कि फलाना फला को मार गया तो आपको दिमाग में उस चीज क्या शक करेगा कि एक दिन दोस्त पूछे थे यार क्या मारे किसको मारा क्यों घबरा रहे समझ मतलब उन्होंने नहीं बताया था इसका मतलब था कि ये बात आज समझ में आ गया कि इसी के बारे में वो बोल रहा था इसका मतलब घटना कब हुआ आपको बताया बोला उसने लेकिन बताया नहीं घटना हुआ उसके बाद आपको पता चल गया इसीलिए उसने लड़का गुस्सा में था यही बात होगा तो पीछे का बात समझ में कब आया जब घटना घट गया तो आपको यहां बता देना जब घटना आएगा आगे तो आपको खुद घटना समझ आएगा समझिए ये बात आपको समझ में आना चाहिए चलिए मल्टीमीटर में तो कई चीजें मेजर कर सकते हैं मतलब मल्टीमीटर कम से कम तीन चीजें मेजर करता ही करता है आजकल मल्टीमीटर इतना डेवलप हो गया कि बहुत सारी चीजें मेजर करता है पहले जो था उसके हिसाब से लिखा गया कि मेनली तीन चीजें मेजर कर सकते हैं एम्पीयर वोल्ट और प्रतिरोध का ठीक है मल्टीमीटर याद रखिएगा कि मल्टीमीटर की कहानी हम चर्चा करें ये दो प्रकार के होते हैं मल्टीमीटर दो प्रकार के होते हैं कौन कौन याद रखिए एक होता है एनालॉग मल्टीमीटर एक होता है डिजिटल मल्टीमीटर तो आजकल ज्यादा डिजिटल का प्रयोग करते हैं सबसे पहले जो मल्टीमीटर था वो एनालॉग था एनालॉग का मतलब क्या हो गया समझिएगा एनालॉग मल्टीमीटर या एनालॉग कोई भी सिस्टम एनालॉग मीटर का मतलब उसमें इंडिकेटर होगा स्केल होगा घूमने वाला पार्ट होगा एनालॉग होगा समझ ना लोग कहता है कि डिजिटल डिजिटल का मतलब कुछ छूने वाला या टच करने वाला या घुमाने वाला उसमें नहीं होता है टच करने वाला घूमने वाला कोई मूविंग पार्ट नहीं होता डिजिटल वाला जैसे देखिए ना ये मल्टीमीटर अपना डिजिटल वाला इसमें ये एक पॉइंट एंड ऑफ करने वाली है बाकी इसके इंटरनल में कोई पार्ट घूमने वाला है इसका डिस्प्ले पड़ेगा इस पर और ये देखिए ये जो मल्टीमीटर एनालॉग मल्टीमीटर है कभी कभी मोबाइल से टच करते देखते हैं छूते हुए देखेंगे तो क्या फील करते हैं भाई क्या करता है वो इसे छूता है मोबाइल छूता करता है मोबाइल फट गया कहा कि इसे लगा देता करता हमारा पास गया तो आपको समझ में आ रहा होगा कि वो लगाने से अगर सर्किट पूरा नहीं होता होगा वो पे दिखता होगा वो कहता होगा आपका मोबाइल गड़ गया या कभी कभी ये समझिए ना अगर उसका आप वो जो सड़ाता होगा किसी भी डिवाइस में अंदर सर्किट होगा उसके सर्किट में सड़ाता होगा अगर उसका क्या करें रीडिंग अगर रेजिस्टेंस की बात करें रेजिस्टेंस की बात करें वो इन्फिनिट हो जाता होगा इसका मतलब क्या होता है कि भाई ये गड़बड़ हो गया ये नहीं काम करने वाला है अगर रेजिस्टेंस का मान जीरो हो जाता होगा समझिए जीरो हो जाता होगा तो क्या होता होगा जैसे मान लीजिए दो प्लस माइनस वाला है थोड़ा देखिए बहुत चीजें जानकारी आपको होना चाहिए क्योंकि आप अगर पढ़े लिखे तो कॉन्सेप्ट समझना चाहिए वो चीज आपका फील होगा कि क्या कर रहा होगा क्यों कर देता था ऐसे टच करता था मल्टी कर गया कैसे जैसे मान लीजिए दो सर्किट लाइन होगा एक प्लस वाला माइनस वाला देखता होगा अगर उस पर नोड लगा के सटाता होगा वो पर ले जाकर वो मीटर जैसे मेजरमेंट पर्टिकुलर मेजरमेंट पता है पर्टिकुलर मेजरमेंट करता होगा एक प्लस माइनस को सटाने के बाद उसको क्या आना चाहिए था उसको आना चाहिए था जीरो सॉरी उसको आना चाहिए कुछ वैल्यू रेजिस्टेंस समान आना चाहिए लेकिन रेजिस्टेंस समान नहीं आता उसका वैल्यू क्या जीरो तो जीरो हो जाए तो वो कहीं ना कहीं प्लस माइनस सट गया होगा सट गया तो शॉर्ट हो गया शॉर्ट हो गया तो शॉर्ट सर्किट सिस्टम में करंट मैक्सिमम जाएगा रेजिस्टेंस समान क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा इसका मतलब क्या है शॉर्ट कर गया इसके अंदर सर्किट शॉर्ट कर गया तो मल्टीमीटर लगाने से पता चल जाता लेकिन पहले क्या था एनालॉग वाला था ये बहुत बातें कर रहे हैं क्या ये दो प्रकार होते हैं एक एनालॉग मल्टीमीटर एक होता है डिजिटल मल्टीमीटर एनालॉग मल्टीमीटर में क्या कहा अब देखिए सब स्पेशली हम चर्चा करें याद रखिए कुछ या फिर जो पूछा इतना क्वेश्चन पूछा जल्दी कुछ नहीं पूछेगा ठीक है आइए क्या कहा ये एनालॉग मल्टीमीटर के बारे में पढ़िए एनालॉग मल्टीमीटर में क्या क्या होता है ये देखिए कहा है कि इस प्रकार के मल्टीमीटर में पॉइंटर घूमता है ना ये देखिए इसमें पॉइंटर घूमने वाला होता है ये यहीं पर रीडिंग करके आपको बताएगा और कहा है कि इस प्रकार के मल्टीमीटर में सावधानी अधिक रखनी पड़ती है भाई मीटर वाला है घूमने वाला है थोड़ा सा हिलेगा डुलेगा सावधान का मतलब क्या है ये आराम से घूमने वाला है अगर ये टूट जाएगा टूटे का मतलब गिर जाए कहीं ऊंचाई से नीचे गिर जाएगा इसका जो कंस्ट्रक्शन है कम फ्रिक्शन वाला होना चाहिए वो गड़बड़ हो जाएगा गड़बड़ हो जाएगा रेडी क्या होगा शॉर्ट सर्किट या इन्फिनिटी या जीरो बताता है या एम्पीयर बताता है या वोल्टमीटर से वोल्टेज बताता है वो क्या होगा गड़बड़ हो जाएगा तो डिवाइस को गड़बड़ बेवजह कर देंगे इसका मतलब कि डिवाइस गड़बड़ सिस्टम नहीं है डिवाइस वैसे जीरो बताया गड़बड़ होता है तो डिवाइस को मेंटेनेंस रखना पड़ता है और सावधानी अधिक रखनी पड़ती है इसमें जानी बात नहीं मतलब क्या होता है स्विच होता है पॉइंटर होता है मूविंग पार्ट होता है और हम बात करें कि डिजिटल मल्टीमीटर की आज का दौर में एक्चुअल में डिजिटल मल्टीमीटर ही उपयोग किया जाता है और डिजिटल मल्टीमीटर का सबसे ज्यादा उपयोग होता है हमने शुरू में कहा कि जैसे एक डॉक्टर को क्या होता है आला स्टेथोस्कोप की जरूरत होती है हमें सर्जरी में जाते हैं उसमें इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले ये जरूर रखे होते हैं ठीक है इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है क्या है कि डिजिटल वाला यह मीटर ओम यानी रेजिस्टेंस धारा यानी करंट वोल्टेज का मान डिजिटल में देता है भाई डिजिटल में देता है तो डिजिटल में देता है जैसे कुछ इसमें लिखा हुआ है ये वैल्यू देता है डिजिटल क्या देगा डिजिटल में देगा दूसरी बात क्या है कि इसलिए इसे डिजिटल मल्टीमीटर कहते हैं वो था एनालॉग और ये डिजिटल मल्टीमीटर तो इसका पूरा नाम क्या मल्टीमीटर जब भी चर्चा करें तो डिजिटल मल्टीमीटर बात करेंगे एक एनालॉग बात करें समझ गए डिजिटल मल्टीमीटर में क्या डिफरेंस है चलिए शुरुआत करें कि इसका जो एप्लीकेशन है डिजिटल मल्टीमीटर का प्रयोग एप्लीकेशन कहां कहां करते हैं ये देखिए क्या है इसका उपयोग विद्युत के साधन रिले और परिपथ की कंटिन्यूटी याद रखिए अगर रेजिस्टेंस मेजरमेंट करता है वो परिपथ की कंटिन्यूटी मेजरमेंट करता है टेस्ट में किया जाता है अब इसका बात कैसे किया जाता है ये आपको हम आपको थोड़ा सा बता देंगे बाकी आप प्रयोग करके देख सकते हैं आप यूट्यूब में चले इसके ढेर सारे उपयोग करने के तरीके आप देख सकते हैं कोई जरूरी नहीं पता है कि करें ठीक है हम आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे कहां प्रयोग करके बताएंगे लेकिन ये कैसे प्रयोग करता है लाइवली यहां पर वीडियो के साथ भी दिखा सकते हैं लेकिन ये दिखाना उचित है आप इसे भी देख सकते हैं यूट्यूब में जाइए घूमने सर्च करिए वीडियो आप यूज करने का तरीका ऐसे दिखा दूंगा पता चल जाएगा आपको हम जो बता रहे हैं उसके बाद जाकर देखिए पहले भी देख सकते हैं जब पढ़े हुए कॉन्सेप्ट आपको पता होगा तो क्या करें परिपथ की कंटिन्यूटी और ये टेस्ट करने के लिए किया जाता है और आगे करें कि इसका जो उपयोग है मेनली मापन स्थिति में क्या क्या पता करने के लिए किया जाता है कैपेसिटर सही है कि गड़बड़ है ये भी पता कर सकता है अब नया वाला भी बात करें डायोड खराब है कि काम करने वाला ये पता चल जाएगा ट्रांजिस्टर खराब है कि सही है ये पता चल जाएगा कैसे होगा अभी थोड़ा सा चर्चा करते हैं सबसे पहले आइए हमने कहा कि डिजिटल मल्टीमीटर में क्या होता है डिजिटल तरह से वैल्यू देता है इसमें क्या होता है आपका वोल्टेज सोर्स बैटरी लगता है डिजिटल वाला ठीक है बैटरी उसमें लगता है लेकिन इसमें लगता है क्या इसमें ना यहाँ पर मान तीन नोब है समझिएगा तीन नोब है और मल्टीमीटर याद रखिएगा एसी और डीसी दोनों तरह के करंट और वोल्टेज को मेजरमेंट करता है एसी और डीसी दोनों तरह के करंट और वोल्टेज को मेजरमेंट करता है रेजिस्टेंस का तो कोई बात ही नहीं है चाहे डीसी सर्किट लगाओ चाहे एसी सर्किट लगाओ वो प्रतिरोध तो प्रतिरोध ही होता है ये नोब है ना ये यहां पर मेजरमेंट करने की व्यवस्था लगाई है ऐसे सिचुएशन में ये प्रोब करते हैं ठीक है ये घुमाने वाला है इसमें सेटिंग करने भी आता है अगर आप कंटिन्यूटी टेस्ट करना चाहते हैं अगर किसी तरह ये कंडक्टर है ये कोई डिवाइस है पूरा यहाँ से वहाँ तक अगर कनेक्ट सही होगा कनेक्शन सही होगा तो एक नोब इधर लगाइए और एक नोब इधर लगाइए ये देखिए आपको यहाँ पर इसके बीच में इसको रख दीजिए राइट है और ये ब्लैक है इसके बीच में रख दीजिए और यहाँ पर जो मल्टीमीटर प्रोब है वहाँ पर क्या करिए जाइए जीरो पर कहाँ जाए आपको याद रखिएगा डायोड का सिंबल होता है ऐसा ठीक है तो इसके नोब को घुमा करके किधर लेना डायोड की तरफ यहाँ जो भी होगा ना घुमा करके इसे होगा लेना जहाँ भी डायोड का साइन होगा वहाँ ले जाएगा ठीक है और डायोड के सिंबल पर सेट कर दीजिएगा और उसके बीच में कोई भी चीज को अगर ले जाइएगा रखिएगा ऐसे ये रखिएगा टच करिएगा तो मल्टीमीटर में साउंड पीक की आवाज होती है साउंड होता है थोड़ा सा और एक कंटिन्यूटी आपको बता देगा ये आपका जो तार है या डिवाइस है इसमें करंट इस साइड से इस जा रही है ठीक है दोनों टेस्ट कर दीजिएगा ये कंटिन्यूटी टेस्ट करने की बात अब कंटिन्यूटी सबको डायोड क्यों होती है डायोड जो होता है
डायोड हम आपको पता चल कर डायोड क्या है, एक सॉलिड स्टेट डिवाइस है, युक्ति है जो क्या करता है डीसी मतलब एसी को डीसी में बदलता है, इसमें करंट सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जा सकता है, यानी इसमें एक एनोड होता है एक कैथोड होता है। चर्चा हमारे करेंगे, अभी हम थोड़ा सा बता रहे हैं, ठीक है। एनोड और कैथोड होता है, इसमें जो करंट जाता है वो हमेशा हमेशा एनोड से कैथोड की तरफ जाएगा, यानी हमेशा ये जो एसी है ना अपना इसमें सिर्फ सिर्फ पॉजिटिव को जाने देता है और नेगेटिव रिटर्न नहीं आने देता है, ये डायोड का काम है। मतलब जब इसको उल्टा जोड़ दीजिएगा पॉजिटिव नेगेटिव करंट जाए, अगर इसको ऐसे उल्टा करके उल्टा जोड़ दीजिए मतलब इसको ऐसा जोड़ दीजिए यानी कैथोड इधर कर दीजिए एनोड इधर कर दीजिए इधर इधर करंट नहीं जाएगा, ठीक है। इसका मतलब इसमें उल्टा है कि सीधा, ये भी आप रिजल्ट कर सकते हैं, ये करंट जाने देता है ऐसे सिचुएशन में डायोड पर लाते हैं जो करंट जाएगा इसे होकर, इसका मतलब कंटिन्यूटी सही है, इसका मतलब डायोड खराब है कि गलत है, उल्टा है कि सीधा, ये भी रिजल्ट कर सकता है। अगर आपका डायोड गड़बड़ है करंट नहीं जाने दे रहा है, ये सीधा है इसके नोक पर ये डायोड लगा दीजिए डायोड, ठीक है, डायोड को सटाइए और डायोड पर लगा दीजिए, तब ये आपको पीक की आवाज करेगी, करंट इधर से आप पहुंच जाएगी क्योंकि सीधा एनोड प्लस और कैथोड माइनस, तो प्लस और माइनस जुड़ा हुआ है, इसमें करंट इधर से इधर जाएगा और आपका रीडिंग कुछ बताएगा धीरे से खुद कम बताएगा रेजिस्टेंस में या डायोड में, तो क्या होगा ये पीक की आवाज करेगी, कुछ वैल्यू कुछ कैसे चलते रहता है, ठीक है। यानी डायोड भी डायोड अगर गड़बड़ होता खराब होता तो इधर से करंट जाता ही नहीं, और करंट नहीं जाता तो ये कुछ पीक आवाज नहीं करता, अगर ये एनालॉग होता ये क्या बताता इन्फिनिट बताता, वो मीटर नहीं, अगर इस डायोड को लगाते हैं डायोड खराब होता तो सर्किट बनता ही नहीं, समझ बात को, ये खराब होता तो लगाना नहीं लगाना बेकार है, तो ये नॉब खुला हुआ है खुला हुआ है इसका मतलब इसका नहीं जाता खराब। अब देखिए कभी कभी मल्टीमीटर चेक करने के लिए मल्टीमीटर काम करा नहीं करा तो दोनों नॉब को इसका देते हैं इसे कहां पर लगा के डायोड पर लगा, ये देखिए यहां पर डायोड का सिंबल है, यहां लगा के नॉब पर लगा दीजिए, एसी मापना है एसी की तरफ वोल्टेज ले जाइए, डीसी में मेजरमेंट करना है डीसी की तरफ, आप नोब को घुमा के रख सकते हैं, याद रखिएगा ये जो मल्टीमीटर है डीसी में 10 एम्पीयर तक के करंट को मेजरमेंट करता है, याद रखिए 0 से 10 एम्पीयर इसका मैक्सिमम रेंज होता है मल्टीमीटर का, अभी 100 एम्पीयर की करंट मेजरमेंट करने के लिए जरूरी नहीं होता, ठीक है। अब क्या कैपेसिटर को भी चेक कर सकते हैं, कैपेसिटर सही है कि नहीं, ठीक है, कैपेसिटर सही होता कैपेसिटर सही होता यानी कैपेसिटर, ठीक है, इसमें आपका क्या होता है दो ऐसे तार निकला होता है, अगर इसके इसके बीच में क्या होता है दोनों तार के बीच में रेजिस्टेंस होता है परावैद्युत होता है, इसलिए क्या होना चाहिए अगर आपका मल्टीमीटर डायोड नहीं रखेंगे कैपेसिटर, तो कैपेसिटर का वैल्यू होगा तो कैपेसिटर पर लगा होगा तो क्या होगा इसके बीच में रेजिस्टेंस होता है, इसका मतलब ये कुछ नहीं बताएगा, अगर ये कुछ भी नहीं बताएगा जीरो बताएगा, जीरो बताएगा मतलब कैपेसिटर खराब हो गया, समझ बात को, इसको चेक कर सकते हैं। और ट्रांजिस्टर में क्या, अगर ट्रांजिस्टर गड़बड़ है कि अच्छा है ये भी मेजरमेंट कर सकते हैं मल्टीमीटर से, तो देखिए मल्टीमीटर में आप डायोड लगाते प्रयोग कर रहे हैं तो ट्रांजिस्टर डायोड से भी कई बनता है, आगे चलेंगे पीएन जंक्शन डायोड समथिंग समथिंग लगाते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स को पढ़ेंगे, तो ट्रांजिस्टर में डायोड का प्रयोग होता है तो डायोड गड़बड़ है ट्रांजिस्टर गड़बड़ है, अगर ट्रांजिस्टर सही है सब डायोड है वो सही है, इसलिए आप ट्रांजिस्टर को भी चेक कर सकते हैं मल्टीमीटर से, देखिए बहुत सारे काम होता है इसका मतलब करंट वोल्टेज एमीटर कंटिन्यूटी ये सारी चीज प्रयोग की एक ही डिवाइस से मल्टीपर्पस यूज किए, इसलिए इसका नाम करेंगे मल्टीमीटर, तो ये मल्टीमीटर डिजिटल मल्टीमीटर, चलिए हम बात करें, देखिए इसमें बहुत सारी हम आपको बता रहे हैं तो आपको लिखने का चीज और लिखिएगा देखने का चीज दिखाई रहे हैं, शुरुआत करें आई सुनिए क्लिक कर दे भाई, आप लिख लीजिए इसको, ठीक है, एकदम नोट कंप्लीट बनाते जाइए, हम बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा ही कर रहे हैं बार बार। अब इसकी क्वालिटी क्या होगी, क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी क्या होना चाहिए, ये सेंसिबल होना चाहिए, सुगाहिता मतलब सेंसिटिविटी इसकी अच्छी होनी चाहिए, संवेदनशीलता जिसको बोलते हैं कि थोड़ा सा भी, क्योंकि छोटा वैल्यू में कर सकता है, मिली एम्पीयर में कर सकता है, मिली ओम में मेजरमेंट कर सकता है, कि मल्टीमीटर कम से कम वैल्यू को मेजरमेंट कर सकता है, तो कम से कम वैल्यू को चलने के लिए मेजरमेंट करने के लिए इसकी सेंसिबिलिटी यानी सुगाहिता यानी सेंसिटिविटी क्या होनी चाहिए, अच्छा मल्टीमीटर की सेंसिबिलिटी क्या होती है 20 किलो ओम पर वोल्ट होता है, क्या 20 किलो ओम बता रहा है, ये क्वेश्चन पूछता है क्या यहां से आपको पता है क्या पूछता है यहां पर विशेषता के तौर पर पूछा जाए, तो देखिए विशेषता के तौर पर पूछा जाए तो 20 किलो ओम प्रति वोल्ट ये इसकी सेंसिटिविटी यानी सुगाहिता है, सुगाहिता का जब मात्रा पूछेगा तो यहां देखिए किलो ओम है इसका ओम मीटर में भी माप सकते हैं, जिसका डिजिटल मल्टीमीटर में 10 एम्पीयर कि डीसी करंट लगभग मापा जा सकता है, और बात करें कि सेंसिबिलिटी किसी भी मल्टीमीटर का डिजिटल मल्टीमीटर का जो सेंसिबिलिटी है वो क्या है कि किसमें इसकी मात्रा क्या होती है, याद रखिएगा ये ओम पर वोल्ट होगा, क्यों क्या ओम को किलो ओम में लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, ओम को किलो ओम में लिख सकते हैं वोल्ट तो वोल्ट है, ये क्या होगा ओम पर वोल्ट, देखिए पूछा गया सवाल है आपसे पूछे तो एनएमआरसी में पूछा गया सवाल, ठीक है हम क्वेश्चन दिखाते नहीं है लेकिन लाइन आ जाता है याद आ जाता है बताते बताते तो आपको बोल देते हैं, ठीक है कंप्लीट याद रखिएगा इसको यही सब पूछता, ठीक है तो सुगाहिता यानी सेंसिबिलिटी, सेंसिबिलिटी मतलब कितना किलो ओम पर वोल्ट ये काम कर रहा है, चलिए इसको नोट करिए मल्टीमीटर में कितना था आपका ये, अब देखिए अब इंपॉर्टेंट चीज आप पढ़ने जा रहे हैं, सब इंपॉर्टेंट नहीं था ये भी इंपॉर्टेंट है लेकिन इसको समझना बहुत जरूरी है, इससे एक क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, तय कर लीजिए अगर इस चैप्टर को आप नहीं समझ पाए इसमें तो थोड़ा सा दिक्कत है, क्यों क्योंकि बेसिक आपके सही होंगे अगर पढ़ाई कर रहे होंगे तो एकदम पक्का समझ जाएगा, आज हम आपको एक्सटेंशन ऑफ एमीटर यानी किसी भी जो एक रेंज होता है एमीटर मेजरमेंट करने का कम मान के धारा को अगर मापते हैं वो एमीटर से तो उसी एमीटर से अधिक मान का धारा मेजरमेंट करना हो तो उसमें क्या करना पड़ेगा, आइए समझते हैं प्रिंसिपल, हम लोग क्या करते हैं किसी भी सर्किट में कोई भी अपना सर्किट इसमें कितना करंट जा रहा है आई ये ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं एमीटर का प्रयोग करते हैं, किसका एमीटर का, ध्यान दीजिएगा ये एमीटर मान लीजिए कि अपना एक एम्पियर मैक्सिमम से मैक्सिमम एक एम्पियर की धारा मेजरमेंट करता है, एक एम्पियर की धारा मेजरमेंट करता है तरह कि इससे हमको अगर 10 एम्पियर की धारा मेजरमेंट करना हो तो हम क्या करेंगे, कैसे इसका एक्सटेंशन इसकी परिसीमा यानी इसका एक्सटेंशन करना पड़ेगा इसको बढ़ाना पड़ेगा, तो इसी एमीटर से अगर अधिक मान का यानी एक ओम से अधिक मान का एक एम्पीयर है एक एम्पीयर से अधिक मान का करंट मेजरमेंट करना हो तो इसके एमीटर में जो लगा गया है इसके समांतर में क्या करना है एक रेजिस्टेंस लगाना पड़ता है, क्या करना पड़ता है लगाना पड़ता है एक रेजिस्टेंस पैरेलल में, और याद रखिएगा इस पैरेलल रेजिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं शंट रेजिस्टेंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं शंट रेजिस्टेंस बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा शंट रेजिस्टेंस यानी क्या समांतर में प्रतिरोध लगाते हैं, कैसा क्यों लगाते हैं ये हम आपको बताएंगे आराम से समझिएगा पूरा क्लियर हम आपको समझाएंगे, क्वेश्चंस मात्र एक दो पूछेगा वो तो आप समझ ही जाएंगे लेकिन काम एक्चुअल में कैसे करता है ये हम आपको समझाने जा रहे हैं, मान लीजिए ये एक एम्पीयर करता है कैसा समांतर में क्यों लगा, याद रखिए समांतर में क्वेश्चन आपको पूछता है कि अगर किसी एमीटर से
उसके अधिक मान का एम्पीयर यानी धारा का मान ज्ञात करना हो या पता करना हो तो क्या करना पड़ता है, रेजिस्टेंस जोड़ना पड़ता है। पूछेगा रेजिस्टेंस कहाँ जोड़ना पड़ता है, कैसे जोड़ना पड़ता है, तो आप कहेंगे एमीटर के समांतर में यानी शंट में एक रेजिस्टेंस जोड़ना पड़ता है। और जो रेजिस्टेंस का मान होगा उस रेजिस्टेंस का वैल्यू, जैसे एमीटर है तो एमीटर का अपना इंटरनल रेजिस्टेंस आर होगा, होगा क्या होगा ये है ना। और ये देखिए ये सप्लाई और ये रेजिस्टेंस अपना किस लगा है, समांतर में लगा है, इसका आरएसएस बोलेंगे, शंट रेजिस्टेंस बोलेंगे, और इधर सप्लाई तो अपना जाएगा ही जाएगा। यानी अगर करंट जाएगा तो करंट यहाँ अपना जो मेजरमेंट करने का जुगाड़ है वो कह रहा है कि ये एमीटर एक एम्पीयर मैक्सिमम ये करंट मेजरमेंट कर सकता है, इस मैक्सिमम करंट मतलब आईएम बोलेंगे, मतलब कोई भी एमीटर जो करंट मैक्सिमम मेजरमेंट करता है उसको आईएम बोलेंगे। लेकिन अगर उससे अधिक एम्पीयर की करंट आपको मेजरमेंट करना है, इस मान लीजिए 10 एम्पीयर का करंट मेजरमेंट करना है, तो 10 एम्पीयर का करंट मेजरमेंट करेंगे, अगर ये नहीं लगा रहेगा, अगर इसे देंगे ये सीरीज में लगा रहेगा, ये एक एम्पीयर मेजरमेंट करता है, लेकिन 10 एम्पीयर मेजरमेंट करने के लिए लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, एमीटर का जल जाएगा, बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, रेजिस्टेंस का जल जाएगा, ये बर्न आउट हो जाएगा। समझिए बहुत आराम से समझा रहे, एकदम क्लियरली समझिएगा, इसका मतलब 10 एम्पीयर का आप मेजरमेंट नहीं कर सकते, लेकिन कारण इसी एमीटर से हमको 10 एम्पीयर का करंट मेजरमेंट करना, तो क्या करना पड़ेगा, समांतर में रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा, वो भी कम वैल्यू का, किससे कम वैल्यू का, इसका जो अंदर एमीटर का अपना रेजिस्टेंस था ओम था उससे कम वैल्यू का लगाना पड़ेगा। इसका मतलब जो भी एमीटर होगा उसके एक्सटेंशन में एमीटर का जो रेजिस्टेंस होगा वो शंट प्रतिरोध से अधिक होगा, इन प्रतिरोध अधिक होगा, और जो शंट में हम लोग लगाएंगे एक्सटेंशन करने के लिए उसका मान क्या होगा, एमीटर में लगे प्रतिरोध के मान से क्या कम होगा, क्यों कम होगा, ये बात हम आपको समझा रहे हैं। देखिए अगर करंट 10 एम्पीयर गुजर रही है एमीटर से गुजर जाता तो ये बर्न आउट कर देता, इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है कि 1 एम्पीयर करंट ही झेले जाए, तो भाई इसको 1 एम्पीयर करंट देंगे, बाकी के सब 9 एम्पीयर कहां ले जाएंगे, जेब में रख लेंगे, नहीं ये जो अलग से रेजिस्टेंस लगाए शंट में ये कोशिश करें कि बाकी 9 एम्पीयर से गुजर जाए, तो 9 एम्पीयर से कब गुजरेगा, जब 1 एम्पीयर जाने के लिए रेजिस्टेंस यहां लगा हुआ है, तो ऐसा रेजिस्टेंस यहां पर जुगाड़ लगाएंगे जिसका मान कम हो और जिस रास्ते का मान कम हो उससे मैक्सिमम करंट गुजरता है। करंट की प्रॉपर्टी, करंट का लक्षण है कि किसी का लक्षण होता है जिससे शॉर्टकट रास्ता मिले, सही रास्ता मिले, कोई डिस्टर्बेंस ना हो, उधर से लोग भी गुजरता है, तो करंट का वही लक्षण है कि जिस तार में जिस सर्किट में रेजिस्टेंस का मान रुकावट का मान कम होगा करंट उस रास्ते से अधिक चला जाएगा। इसका आर ओम रेजिस्टेंस अधिक है, इसका रेजिस्टेंस कम है, 1 ओम तक जाएगा, इसमें बाकी 9 ओम किधर जाएगा, इसमें जाएगा, बाकी के 9 ओम किधर जाएगा, तो 9 ओम में 9 एम्पीयर, इसका ओम अधिक है तो करंट इसमें कम जाएगा, और इसका रेजिस्टेंस कम है तो इससे करंट अधिक जाएगा। यहां पर समझ गए बात को कि कम मान का प्रतिरोध क्यों लगाते हैं, क्योंकि करंट उससे एमीटर से ज्यादा ना गुजरे, बाकी के बाकी जो एक्स्ट्रा करंट है उस शंट वाले से गुजर जाए, इसलिए एमीटर के समांतर में शंट में कम मान का प्रतिरोध लगाते हैं, तो 1 एम्पीयर जाएगा इसका और कम मान का प्रतिरोध बाकी बाकी 9 चला जाएगा इसमें, है ना, आप ऐसा चला जाएगा, लेकिन मेजरमेंट कैसे होगा 10 एम्पीयर वाला वो कौन बताएगा, ये कैसे होगा, देखिए हम आपको बता रहे हैं, थोड़ा समझिए, ये आप देख रहे हैं, ये आपको नोट करना होगा, नोट करिएगा, नोट करना होगा, तो फिर आपको बताएं, कोई दिक्कत नहीं, आप स्क्रीनशॉट लेना, आप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आई, ये अपना क्या होता है स्केल वाइज, क्या एमीटर वाला, मान लीजिए कि जो आप पहले से आपका एमीटर था वो 1 एम्पीयर मेजरमेंट कर रहा था, ये वाला इसका स्केल कितना होगा, 1 एम्पीयर मतलब फुल स्केल, मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 एम्पीयर, शुरू का स्केल को डिवाइड कर दीजिए, ये 0 समझ लीजिए, ये 0.1 समझ लीजिए, और ये 0.2 समझ लीजिए, इसी तरह आएगा 0.8 समझ लीजिए, और यहां आएगा 0.9 समझ लीजिए, और लास्ट डिफ्लेक्शन 1 एम्पीयर समझ लीजिए, और इसका रीडिंग आप आइए, फुल डिफ्लेक्शन कितना आएगा, इसका मतलब पूरा 1 एम्पीयर जाएगा, ये तो यही है, स्केल तो यही है, लेकिन आपको नहीं सर को 10 एम्पीयर मेजरमेंट करना है, भाई 10 एम्पीयर मेजरमेंट करने के लिए जुगाड़ करना पड़ेगा, क्या जुगाड़ करना पड़ेगा, देखिए ऐसे सिचुएशन में दो तीन चीज आती है, सवाल से पूछेंगे, फॉर्मूला आपको बता देंगे, इतनी कहानी आपको याद होना हो, इतना इसलिए बताते हैं, फॉर्मूला याद होगा, फॉर्मूला में क्या क्या लिखा हुआ, इसका वैल्यू कहां कहां क्या होता है, क्या नाम होता है, ये आपको समझ में आ जाएगा। देखिए इसके करंट को जो एम्पीयर मीटर में अपना करंट जा रहा था 1 एम्पीयर, इसको आईएम बोलेंगे, मतलब एमीटर का अपना मैक्सिमम फुल डिफ्लेक्शन करंट 1 एम्पीयर, यानी आईएम का मान 1 होना चाहिए, समझ गए, आईएम किसको बोलेंगे, ये समझ गए, लेकिन आई टोटल करंट की बात करें, टोटल करंट मतलब आई जो 10 एम्पीयर उसको मापना है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, आई आई एम 10 एम्पीयर, देखो वैल्यू के साथ इसलिए बता रहे कि आई आई एम सीधा फॉर्मूला लिखा होता है, आपको समझ में आता है आई क्या होता है, तो आई एम मैक्सिमम आई टोटल 10 एम्पीयर, लेकिन इसमें जो शंट वाला में जाएगा, शंट वाला में जो मैक्सिमम करंट जाएगा 9 एम्पीयर, उसको हम आर एम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आर एम, समझ गए, क्या क्या होना है, आई एम समझ गए, आई समझ गए, और आर एम समझ गए, शंट में जो करंट जा रहा है ये आर एम बोलेंगे, इसी समझा फॉर्मूला आपको सीधा सीधा समझाएंगे, सब एक्सटेंशन बढ़ाइए, क्यों लेट कर रहे हैं, एक्सटेंशन बढ़ाइए मतलब कैसे मेजरमेंट करेगा, इसके मेजरमेंट करने के लिए इसका क्या पड़ेगा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर आपको पता करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर का मतलब एम का मान पता करना पड़ेगा, सर एम क्या होगा, ये आपको समझ लेते हैं, मल्टीप्लाइंग फैक्टर याद रख लो, मल्टीप्लाइंग फैक्टर यानी एम, एम का मान आपको पता करना पड़ेगा, एम का मान पता हो जाएगा, एक्सटेंशन आपको पता हो जाएगा कितना होगा, क्योंकि इसी स्केल पर 10 एम्पीयर को बांटना है, कैसे, ये होता फैक्टर, समझिएगा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर की बात करें तो ये बराबर क्या होता है, इसके लिए ये होता है आई बटा आई एम, आई बटा आई एम मतलब मल्टीप्लाइंग फैक्टर एम बराबर आई, आई कितना है, आई है 10, तो क्या होगा 10, और आई एम मतलब जो एम्पीयर मीटर है उसका फुल डिफ्लेक्शन या मैक्सिमम करंट डिफ्लेक्शन की बात करें, आई एम बराबर 1 एम्पीयर, क्या बात, 1 एम्पीयर, इसका जो आप क्या करेंगे, कैलकुलेशन निकालेंगे, क्या 10 होगा, और ये करंट बटे करंट ही है, इसका कोई यूनिट नहीं है, ये फैक्टर है, गुणक है, ये 10 निकला, मतलब क्वेश्चन पूछेगा कि ये 1 एम्पीयर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है और 10 एम्पीयर के करंट को मेजरमेंट करना है, तो बताइए मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होगा, एम का मान कितना होगा, तो एम बराबर क्या होगा, आई बटे आई एम निकालिएगा, तो 10 बटे 1 निकालिए, मल्टीप्लाई फैक्टर ये हो जाएगा, क्वेश्चन सीधा बहुत आसान, आपको थोड़ा सा पूछेगा, इसे एक एग्जांपल बात करें, मान लीजिए इसका मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, क्वेश्चन पूछा गया डीआरडीओ में कि किसी भी एमीटर का मैक्सिमम डिफ्लेक्शन क्या है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन का मतलब आई एम का मान क्या है, 5, ठीक है, 5 एम्पीयर है, कह रहा है कि आई का मान 100 एम्पीयर है, क्या 100 एम्पीयर है, 100 एम्पीयर का मतलब आई, कह रहा है कि 100 एम्पीयर में करना है, बताइए उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होगा, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा, आई एम बटे आई बटे आई एम, क्या लिखा, आई बटे आई एम मतलब इस एमीटर के लिए जिसका मैक्सिमम आई एम का मान 5 एम्पीयर है उसके लिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा, सीधा बात करें आई यहां आई बटे आई एम, आई का मान कितना 100 और आई एम का मान 5 है, ये 5 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा, 20 हो जाएगा, यानी कभी भी मल्टीप्लाई करने का होगा, ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिएगा, आई बटे आई एम, देखो भाई एकदम किसी फॉर्मूला नहीं याद आएगा, तो इस तरह से बता रहे हैं, आपको समझ जाना चाहिए, अंक के साथ साथ बता रहे हैं, चलिए भूल जाइए इसको, भूलना नहीं है, मतलब अभी छोड़ दीजिए इसको,
आप याद रखिए यहां पर भूल गए क्या था एक्सटेंशन की तरफ चला है एक्सटेंशन करने का मतलब हम लोग किसका कर रहे थे इस सेमीटर का इसका 1 एंपियर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन था आईएल का मान 1 था वहां पर चर्चा कर रहे हैं समझिए इसके लिए 1 एंपियर की मैक्सिमम है इसका मतलब जो मल्टीप्लाई फैक्टर आप निकाले उस मल्टीप्लाई फैक्टर में इससे गुणा करेंगे 0 में 10 से गुणा करिएगा क्या होगा 0 में 10 से गुणा करिएगा तो क्या होगा 10 यानी 0 होगा अगर 0.1 में अगर गुणा करिएगा 10 से तो क्या होगा 1 होगा तो यहां क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा अगर 0.2 में 10 से गुणा करिएगा तो क्या हो जाएगा ये 2 हो जाएगा यानी ये 2 हो जाएगा इसका मतलब ये है कि यहां तक जाएगा गुणा करते जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 होगा कि नहीं होगा मल्टीप्लाई फैक्टर को गुणा करें ये 10 होगा कि नहीं होगा अब जो आपका रेंज आ गया अब जब 0.1 बताएगा शंट रेजिस्टर लगाने के बाद तब भी शंट रेजिस्टर कितने मान लगाएंगे ये भी आपको पूछ लेता है इसके लिए फॉर्मूला देखेंगे एक ही फॉर्मूला में सारा चीज लिखा गया आपको हो जाएगा अगर इस शंट रेजिस्टर लगाने के बाद अब जब आपका 0.1 बताया है कोई भी एमीटर इसका मतलब आप समझ जाइए कि उसका मल्टीप्लाई फैक्टर जो लिखा होगा उससे गुणा कर दीजिए मतलब 1 एंपियर आपको बताएगा लेकिन उस समय शुरू में था जब शंट रेजिस्टर नहीं लगाए थे तो 1 एंपियर था अंतिम में बताता था अब देखिए ना 0.1 पे है और एमीटर करें हम लोग कि 1 एंपियर होगा ऐसा देखिए होंगे समझे होंगे तो आपको पता चल गया होगा जो नहीं भी देखें इतना बेसिक से आपको समझाए अंक वैल्यू लिखकर समझाए ये तो समझ गए होंगे अब बात करें सर इसका अगर शंट का मान याद करें यदि नहीं करें अच्छी फॉर्मूला पर ये आप समझ शुरू से अगर लिखे थे पीछे कर करके जैसे आप एडजस्ट करना भाई लिख लो हम बताने के चक्कर इतना बता लेते हैं कि यहाँ से क्या कहता है सीरीज वाइज छूट जाता है इधर क्या लिखा है तो अभी तो हमको पता नहीं चला आपको अभी भी कोई पता नहीं चला लेकिन आपको सुविधा क्या शुरू से देखते कैसे लिखा गया समझ गए तो इस रेडियो में भी क्वेश्चन ज्यादा पूछा गया रेलवे भी क्वेश्चन पूछा गया और छोटा वैल्यू का आपको पता है कौन सा पूछा गया अभी क्वेश्चन हमारे पास आपको बताएं चलिए अभी इसको क्लीन कर देते भाई कि एक एमीटर के समांतर में प्रतिरोध को जोड़कर उसकी सीमा बढ़ाया जा सकता है ठीक है बढ़ा दीजिए कोई दिक्कत नहीं तो पूछेगा कि जब किसी भी एमीटर का सीमा बढ़ाना हो तो क्या करना पड़ेगा समांतर में आपको प्रतिरोध देना पड़ेगा और कौन सा समांतर में प्रतिरोध लगेगा वो कम मान का लगेगा कितना कम मान का याद लिख लीजिएगा कि समांतर में एमीटर के एक्सटेंशन में लगे समांतर प्रतिरोध का मान होगा एमीटर में लगे प्रतिरोध का मान से कम होगा अर्थात एमीटर में जो प्रतिरोध होगा उसका मान अधिक होगा आप समझ रहे हैं देखिए यहां पर लिखा गया कि भाई फिगर इसे यहां पर ड्रॉ किया गया आप इसे ड्रॉ कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं ठीक है ये देखिए यहां पर क्या लिखा गया है देखिए ये फार्मूला में RM लिखा गया इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बेसिक मीटर RM मतलब क्या रेजिस्टेंस किसका एमीटर का अंदर वाला है ना इसका और RSS रेजिस्टेंस ऑफ शंट मतलब ये जो आरएसएस लगाए थे फिगर आपको वहां समझ नहीं आएगा पीछे वाला फिगर बना लीजिए कौन बोला ये वाला ये अपना ऐसा रेजिस्टेंस था इसका आर था और ये जो ऐसा था इसका आईएम इसमें रहता है और इसमें एक शंट रेजिस्टेंस लगा दिए इसका मान क्या आरएसएस होगा और आरएसएस जो करंट जाएगा वो आरएम का रहेगा आपको लिखा है तो उसमें लिख लीजिएगा ठीक है वही लिख के यहां पर आप लिखा तो समझ में नहीं भाई आईएम फुल स्केल लिखा था बेसिक मीटर आईएम फुल डिफ्लेक्शन जो इसका एक आपको बताएं समझिए बात अब इसे कोई अगर ये बताते आपको समझ आता कुछ नहीं आता कह रहा है कि आईएम इनटू आरएम बटे आई माइनस आईएम आई क्या 10 याद है और आईएम कितना 1 इसका मतलब यहीं से पता चलेगा सम वाला पर तो क्या करना इसका मतलब कितना ऐसे भी निकाल सकते हैं लेकिन इस हिसाब से निकालिएगा आईएम इनटू आरएम बटी आरएसएस निकाल सकते हैं चाहे वो आईएम का मान पूछ देगा जो वैल्यू इसमें दिया गया है उसको रख देंगे जो नहीं दिया होगा वो आप निकाल सकते हैं ये फॉर्मूला से बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है याद रखिएगा आई माइनस आईएम इनटू आरएसएस का मान आईएम इनटू आर हो जाएगा मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि जो 9 एम्पीयर करंट है आई का मतलब क्या 10 एम्पीयर गया 10 अंगुल सुन के था मान लीजिए 1 एम्पीयर इससे गया था और बाकी के 9 एम्पीयर इससे गया था इसका मतलब ये जो आईएम इनटू आरएम है आईएम का मतलब 1 आरएम का मतलब क्या मैक्सिमम इसका आरएम ठीक है आरएम का मान जो होगा दिया जाएगा ये वैल्यू इसमें कितना जाएगा वो बात कर रहा है तब समझ में आई थिंक हमें लगता है कि आप समझने की जरूरत है सवाल आपको बनाएंगे अभी जस्ट इसको नोट कर लीजिए क्लीन कर देते हैं क्योंकि मैंने आपको समझना पहले ही वाले में था बस यहाँ पर आपको सिर्फ फोटो है फिगर आपको फॉर्मूला नोट करना है नोट कर लीजिए इसमें कोई दिक्कत इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बेसिक मीटर मतलब आंतरिक प्रतिरोध दिखेंगे वाले रेजिस्टेंस ऑफ शंट मतलब शंट आरएसएस मतलब शंट प्रतिरोध ये एमीटर का शंट प्रतिरोध का समांतर प्रतिरोध का मान आरएसएस होगा आईएम का मतलब जो एमीटर का पूर्ण डिफ्लेक्शन है वो होगा करंट टू बी मेजर करंट कितना मेजर करना है आपको चलिए कितना 10 एम्पीयर मेजरमेंट करना था तो जो आई का मान होगा दिया गया करंट होगा उसका मेजरमेंट करना ये लिखा गया ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं आप ज्यादा बात नहीं कर गया चलिए कह रहा है कि आइडियल ट्रांसफर सॉरी आइडियल एमीटर का प्रतिरोध लगभग शून्य होता है आइडियल एमीटर का प्रतिरोध कह रहा है कि ये अपना ये इसके अंदर क्या एमीटर था अपना ये एमपी एमीटर इसका जो अंदर में रेजिस्टेंस होना है वो लगभग जीरो होना चाहिए अच्छा है कह रहा है कि ये अगर जीरो हो जाएगा ऐसे कोई बात नहीं आइडिया तब पाएगा जब इसके अंदर का आंतरिक प्रतिरोध क्या जीरो ऐसा जिंदगी में कभी हो नहीं सकता है लेकिन न्यूनतम मतलब इतना कम हो जाता है इसको नेगलेक्ट कर देते हैं आर जीरो लिख सकते हैं ये हो सकता है ये बात है कि मीटर का प्रतिरोध लगभग शून्य होता है कब जब आइडियल मीटर होता है आइडियल मीटर मतलब क्या इसके अंदर रेजिस्टेंस कम होना चाहिए इससे कम बड़ी बात है ये बात कह दिया तो कह दिया लेकिन जरूरत प्रैक्टिकली होता नहीं सुनिए ठीक है कि एमीटर का प्रतिरोध शंट के प्रतिरोध से कम होता है एमीटर का प्रतिरोध शंट के प्रतिरोध से कम होता है मतलब यहाँ चीज लिखा गया है एमीटर का जो प्रतिरोध है शंट प्रतिरोध जो लगा होता है ना उसका वैल्यू कम होता है संट वाला का लेकिन यहाँ लिखा है आमीटर का प्रतिरोध संट के प्रतिरोध से कम होता है ये कैसे होगा भाई ये कभी भी नहीं हो सकता है ये जब होगा तो संट प्रतिरोध का मान कम होगा लेकिन आमीटर का संट प्रतिरोध ये को हटा दीजिएगा अरे ये इसे आमीटर का प्रतिरोध या संट प्रतिरोध जो है क्या होगा कम होगा किसके आमीटर में लगे रेजिस्टेंस तब ना करंट का मान कैसे बाईपास होगा जी है आई नहीं दिया कुछ कुछ चलिए कोई बात नहीं कि एक लाइन क्या होगा कम मान के प्रतिरोध लगाना चाहिए अर्थात अधिक मान का प्रतिरोध उसके इंटरनल होगा या एक सेकेंडरी ऊपर है तो कोई बात नहीं सेकेंडरी ऊपर है ही सेकेंड मतलब द्वितीय ऊपर द्वितीय मतलब अप्रत्यक्ष रूप से करंट मापता है करंट ये आप करंट को देते नहीं है ये मापता है करंट तो ये सेकेंडरी ऊपर है ये मीटर आपको एकदम मूविंग कॉइल में एमसी पीएमएमसी टाइप होता है ये पीएमएमसी टाइप होता है क्योंकि एक भी मीटर जिसमें आपको परमानेंट मैग्नेट कॉइल की चर्चा करनी होगा पीएमएमसी टाइप ज्यादा होता है पीएमएमसी में सीधा डीसी पर डिपेंड करता है अगर सीधा एसी और डीसी दोनों पर बात करेगा तो हम लोग आयरन टाइप बोलेंगे छोटी सी बात को चर्चा बेकार करके कंफ्यूज हो जाएगा कि आप एसी पर माप सकते हैं मीटर डीसी पर भी माप सकते हैं वहां अलग बात हो जाएगा समझे चलिए हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन आया यहां देखिए क्वेश्चन क्या कहता है ये क्वेश्चन सबको बनाना है देखिए ये जो अपना क्वेश्चन है ये एक्सटेंशन ऑफ एमीटर पर दिया गया है ठीक है ये आप ट्राई करके बनाइए अगर आपको नहीं बनता है तब हम आपको बताएंगे और इसके बाद वोल्टमीटर के एक्सटेंशन को भी बताएंगे तब तक के लिए धन्यवाद आपको आप इसको बनाइए प्रैक्टिस करिए बाय धन्यवाद।